हेलो व्यूअर्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एडियो फार्मा आज हम देखेंगे कि अगर हमको सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हैं इनको अगर ऑर्गेनाइज़ करना है तो किस तरीके से फाइनेंशियल ग्रांट हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप जो वेबसाइट है इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की हम उसमें जाते हैं और वहाँ से हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो हमको सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रांट देते हैं तो ये देखिए ये हमने ओपन कर लिया ये वेबसाइट है अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो एक है रिसर्च और एक है फंडिंग फंडिंग में यहाँ दिया हुआ है रिसर्च ग्रांट जो की इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल और इंडिविजुअल दिया है सिमिलरली यहाँ दिया है ग्रांट्स ग्रांट्स फॉर सेमिनार एंड उसके बाद है स्टार्टअप आज हम सिर्फ अभी देखने वाले हैं ग्रांट्स फॉर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेन रिकॉर्ड्स आए सबसे पहला है ट्रैवल ग्रांट स्कीम फॉर कॉलेज टीचर्स कॉलेज लाइब्रेरियंस वाइस चांसलर्स वाइस चांसलर्स कमीशन मेंबर्स एंड यूजीसी ऑफिसर्स ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है जो यू हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो ट्रैवल ग्रांट हमको देती है इसको बाद में देखेंगे आज अभी हम सिर्फ जो हमको कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज में उससे रिलेटेड देखते हैं तो सेकंड है जो फंडिंग एजेंसी है यूजीसी ये भी हमको कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप सेमिनार के लिए ग्रांट देती है उसके बाद सेकेंड एसिस्टेंट टू प्रोफेशनल बॉडीज एंड सेमिनार सिंपोजिया इसके लिए यहाँ पर हमको जो सर्ब है डी का वो भी एक हमको ग्रांट देती है नेक्स्ट एजेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिनसे कि हमको सपोर्ट मिलता है फॉर सिंपोजियम सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी फिर हमको यूजीसी जो है वो ट्रैवल ट्रैवल देते हैं उनकी स्कीम है यूजीसी ट्रैवल ग्रांट स्कीम फिर इंसा डी है जिनसे कि ट्रैवल फेलोशिप मिलती है इसमें फंडिंग एजेंसी है इंडियन नेशनल साइंस एंड एकेडमी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन साइंस इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल हमको नॉन आईसीएमआर साइंटिस्ट को भी मिलती है फिर सी एस आई आर ट्रैवल ग्रांट है फिर इंटरनेशनल ट्रैवल सपोर्ट है ये भी सर्व डी एस टी की है और सी टी पी ई सी टी ई पी कॉन्फ्रेंस ट्रैवल एग्जीबिशन एंड पॉपुलर लेक्चर ग्रांट है जो कि डी बी टी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है अगर हम किसी एक को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं सपोर्ट फॉर सिंपोजिया सेमिनार कॉन्फ्रेंस ड्रांड वर्कशॉप बाई सी एस आई आर या फिर असिस्टेंस टू प्रोफेशनल बॉडीज एंड सेमिनार सिंपोजिया बाय सर्ब तो आइए हम सर्ब से शुरू करते हैं अगर हम सर्ब को क्लिक करें तो ये देखिए ये अपने को इस तरीके से इनका ये पोर्टल ओपन हो जाता है और इसमें हम आगे डिटेल में देखना चाहेंगे तो इसमें पहले जो फंडिंग एजेंसी जैसे आप देख सकते हैं सर्ब डी है सभी साइंस डिसिप्लिन वालों को ये देते हैं ये वाला जो है ये पर्पस है इसमें ट्रैवल सिमिलरली इसमें और हम आगे जाते हैं डीएसटी सर्व की अगर हम ओपन करें वेबसाइट तो सी डीएसटी सर्व में भी आप ये ओपन करिए तो यहाँ देखिए फंडिंग अपॉर्चुनिटीज है इसमें हम बात कर रहे थे सेमिनार सिंपोजिया ग्रैंड की तो इसमें हम देखते हैं ये देखिए सेमिनार सिंपोजिया है इसको आप क्लिक करेंगे तो फिनेंशियल टू प्रोफेशनल बॉडीज एंड सेमिनार सिंपोजिया तो इसमें यहाँ पर देखिए ये क्लिक हो रहा है आज 9 जुलाई है ओके तो अगर हम अभी एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको कितने दिन पहले सबमिट करना है तो जो इवेंट की स्टार्ट डेट है वो नाइन्थ सितंबर 2022 से नाइन्थ जनवरी 2023 के बीच में ही होना चाहिए पहली चीज इसके बाद हम और डिटेल में जाते हैं तो एलिजिबिलिटी देखें कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है तो उसके लिए इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो भी अप्लाई करेगा उसको रेगुलर पोजीशन में होना चाहिए इन अ रिकोगगनाइज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इन नेशनल लेबोरेटरी और रिकोगनाइज आर एंड डी इंस्टीट्यूशन ठीक है और इसमें कब हम सबमिट कर सकते हैं नॉट देन एटी डेज एंड नॉट लेटर डेज बिफोर द डेट ऑफ द इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कब सबमिट करना है और उसको कैसे सबमिट करना है तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है और उसके लिए हमको ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने हैं सबसे पहले जो कन्वेनर है उनको अपने को रजिस्टर करना होगा यहाँ से क्लिक करके उसके बाद फिर हम उसके लॉग इन में जाएंगे मेन्यू में जो प्रपोजल सबमिशन का जो होता है वहां पर हमको जैसे कि हमेशा हम डीएसटी में देखते हैं कि पहले हमको स्कीम स्कीम को को करना है तो यहाँ पर सेमिनार स्कीम को सेलेक्ट करेंगे और फिर स्टार्ट सबमिशन करेंगे फिर जब हम अंदर जाएंगे तो वहां हमसे वो क्या क्या मांगेगा नेम ऑफ द इवेंट जो कि हमको मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स में देना है फिर वेन्यू की आप कहाँ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो है मैक्सिमम 500 हंड्रेड कैरेक्टर्स फिर आपका रिलेटेड की होना चाहिए मैक्सिमम सिक्स की होंगे फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स का मैक्सिमम सिक्स थाउजेंड कैरेक्टर्स उसके बाद फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका डिटेल आपको देना है उसके बाद आर टी जी जी एस या सैलरी ब्रेकअप एट सबमिशन ठीक है इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो अभी हम आगे देखते हैं तो कंप्लीट गाइडलाइंस के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और टेम्पलेट के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे अभी मैं इसको पहले पूरी चीजें हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमको साथ में लगाना है तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या इंक्लोजर्स लगेंगे वो है कन्वीनर का सर्टिफिकेट है उसका मैं भी आपको टेम्पलेट दिखाती हूँ जो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का एंडोसमेट लेटर होता है अनाउंसमेंट ब्रोशर आपको बनाना है टेक्निकल प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से सेशन वाइज बनाना है विद नेम ऑफ सेशन चेयर को-चेयर फिर लिस्ट ऑफ आपको कीनोट स्पीकर्स पूरे रखने हैं उसका भी उसमें टेम्पलेट दिया हुआ है ठीक है तो वो टेंपलेट का भी हम देखते हैं इसके अलावा ये कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा अगर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसमें फिर उनको ये सारे डॉक्यूमेंट अपने सोसाइटी रिलेटेड भी इसमें अटैच करने पड़ेंगे और अगर प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनको क्या क्या अटैच करना पड़ेगा उनको अपने रिकोगशन लेटर्स या एफिलियेशन लेटर्स देना होगा फिर जो रेजोल्यूशन होता है गवर्निंग काउंसिल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कि जो फाइनेंशियल ग्रांट उनको रिसीव होगी उससे रिलेटेड फिर ऑडिटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये सब सबमिट करने होंगे ठीक है तो अब हम वन बाय वन देखते हैं इसकी गाइडलाइंस को तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए कंप्लीट गाइडलाइन फॉर कन्वीनर इसको हम एक नए लिंक में ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए इसमें इन्होंने पूरा किस तरीके से हमको प्रपोजल जो है वो सबमिट करना है वो अच्छी तरीके से इसमें इन्होंने दिया हुआ है अब बात करते हैं हम कि जैसे यहाँ पर इनको रजिस्टर करना है पहले हम टेम्पलेट्स देख लेते हैं तो ये कन्वीनर का जो सर्टिफिकेट है उसका टेम्पलेट है तो इसको हम बड़ा करके देखते हैं इसमें क्या क्या आपको करना है सबसे पहली चीज जो हमको ये बतानी होती है कन्वीनर को कि ये सेम प्रपोजल आपने कहीं और सबमिट तो नहीं किया है और अगर कहीं और सबमिट किया है तो आपको यहाँ डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि क्या चीज़ आपने यहाँ मांगी है और क्या किसी और एजेंसी से मांगी है ठीक है उसके बाद एक चीज़ और है कि जब आपका ये पूरा प्रोग्राम हो जाएगा सेमिनार सिंपोजिया वर्कशॉप फिर विद इन थ्री मंथ्स आपको कंप्लीशन ऑफ द इवेंट के बाद एक ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और, और, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ब्रीफ रिपोर्ट आपको सबमिट करना है ठीक है और जो भी आप इसमें पब्लिकेशन मटेरियल यूज करेंगे उस सब में हमको सर्ब का लोगो जरूर डिस्प्ले करना है क्योंकि ग्रांट हमको सर्ब दे रहा है ठीक उसके बाद ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए जो कन्वीनर को कन्वीनर होंगे उनको अपना सिग्नेचर नेम डेट प्लेस ये देना है ये हुआ फर्स्ट फिर सेकेंड क्या है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का टेम्पलेट तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के टेम्पलेट में क्या दिया हुआ है देखते हैं तो देखिए सबसे पहली चीज कि जो भी एंडोर्समेंट दिया जाता है चोडी हेड या प्रिंसिपल का वो लेटर हेड पे दिया जाता है ओके तो यहाँ पर सबसे पहले कन्वीनर का नाम होगा कि डॉक्टर कन्वीनर ऑफ द प्रपोज कॉन्फ्रेंस सेमिनार वर्कशॉप सिंपोजियम या फाइटल यहाँ वर्कशॉप या सेमिनार का टाइटल होगा इज वर्किंग इन आर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ये वो बोलेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर वो ये बताएंगे कि कौन से पोस्ट पे है मतलब उनका डेजिग्नेशन और साथ में पूरा डिपार्टमेंट का नाम जो कन्वेनर है उनका ठीक है और मेन बाकी वही चीज है कि वो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और एक्सपेंसिस जिस पर्पज के लिए दिए हैं उसी पर्पज के लिए होगा और जो हमारे इंस्टीट्यूट है हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देगा ये सारे जनरल चीजें हैं और इसमें भी कन्वेनर को कन्वेनर है या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उनका सिग्नेचर होगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका सिग्नेचर होगा और अगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या नेक्स्ट हम देखते हैं कि की नोट स्पीकर से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो हमको एक लिस्ट बनानी है जो भी रिसोर्स पर्सन जिनको कि हम बुलाना चाहते हैं उनका नेम एंड डेजिग्नेशन रिसर्च या उनका एक्सपर्टाइज एरिया कौन से कॉलेज से हैं उनका डिपार्टमेंट उनका डिजिग्नेशन इंस्टीट्यूट है का नाम है फिर उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी, डी कॉन्टैक्ट नंबर और उनका स्टेटस क्या है मतलब वो कंफर्म किया है उन्होंने या अवेटेड है तो आपको अराउंड नाइन टू टेन स्पीकर जो हैं उनके नाम यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करने हैं और यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को आप यूज़ करें इस फॉर्मेट को चेंज ना करें तो इस तरीके से आपने देखा कि आप किस तरीके से यहाँ पर सेमिनार सिंपोजिया के लिए डी एस टी में अप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट हम आपको और दूसरी एजेंसीज का भी बताएंगे सो थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड विथ अस